भूवैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट आज सुबह 6:15 पर विधि विधान व पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल वीसी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने शुभ मुहूर्त के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह ठीक 6:15 मंदिर के कपाट खोलकर विधिवत पूजन करते हुए सभी के मंगलमय की प्रार्थना की। आज सुबह 4 से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सैलाब देख के मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति की में सरस्वती देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रा को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है, लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज ये यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भूवैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो है भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहे और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्वगुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने, ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित थे। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के भूवैकुंठ धाम में। बहुत ही आनंद की अनुभूति भी है और इतना अच्छा माहौल है।